ये वाली ये ब्लैक पैंट तो छोटी हो गई ठीक है ये वाली बैठो गाइस मतलब हम लोग ये है ना वीडियो बनाने के लिए इसमें पर एक चॉकलेट दिखाओ वीडियो जबाब चॉकलेट दिखा खाने रहेगी बाद में खाना ना अभी तो कुछ जल्दी निकल लो ठीक है मौसी ये बना रही हूं क्या गुड मॉर्निंग गाइस माय यूट्यूब चैनल आरू मॉम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अब मैं आरू को नहला रही हूँ और स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही हूँ। आप लोग देखते जाइए कितनी बातें करती है, कितनी पक पक करती रहती है आरू। हेलो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ उड़द दाल की सालन। आप लोग देखिए मसाला है और ये उड़द दाल मैंने भिगा रखी है और उसको मैंने पीस लिया है। इसमें मसाले डाल लिए हैं, हल्दी नमक और पिसी मिर्च, और ये मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। मसाले में आपका काली मिर्च, जीरा और लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्ची, इसको पीस के मैंने तैयार कर लिया है। और इसके पकौड़े मैं निकाल रही हूँ, थोड़े से पकौड़े निकालूंगी, थोड़ी दाल उसको बचा दूंगी ताकि उस वो जो दाल बची रहेगी उसको निकालना है। थोड़ा सा तेल डाल के फिर मिर्ची का तड़का दे के जीरा डाल के और इसमें मैं मसाला फ्राई करने जा रही हूँ। मसाला फ्राई करने के बाद दोस्तों इसको मसाला फ्राई करने के बाद जो मसाला पक जाएगा तो दाल का पानी मैंने बचा रखा है उसको इसमें डाल दूँगी। अभी दाल का पानी इसको मिलाने के बाद इसको चलाएंगे और इसमें आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद पानी को ऐड करने के बाद इसको खूब चलाते रहेंगे। चलाने के बाद जब इसमें खौल आ जाएगी पानी में, तब इस बराबर तरीके से चलाने के बाद इसमें खौल आ जाएगी, इसके बाद इसमें पकौड़े डाल देंगे। तो पकौड़े डालने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पकौड़े को हम बहुत ज़्यादा रेड नहीं करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पिंक पिंक सा रहता है, उसके बाद हम इसको डाल देते हैं, खोला देते हैं, इसको ढकते रखते हैं। आरू का ब्लू डे है और ब्लू डे के लिए मैंने ये बनाया है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे स्कूल, आपको देखिएगा। बहुत भागती रहती है वो, एक सेकंड नहीं रुकती। आरू को मैं स्कूल लेने जा रही हूँ और ये रास्ते में पानी बरस रहा है। देखिए आगे कैसे सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। मैं उसके स्कूल पहुँचने वाली हूँ। इसे बीच में एक स्कूल और पड़ता है, बीच में बहुत फेमस है और उसके आगे फिर आरू का स्कूल भी पड़ता है। तो मैं आरू को लेने जा रही हूँ और आरू को लेके आती हूँ। आज उसका ब्लू डे है, देखती हूँ आज उसने क्या किया, एंजॉय किया कि नहीं किया स्कूल में। पेरेंट्स आके खड़े रहते हैं और टीचर्स बच्चे को भेजती है। देखिएगा आरू भी अभी आती होंगी, आरू आ गई हैं।
आरू अपनी बातें बता रही है, ब्लूडो में ये हुआ, ब्लूडे में ये हुआ, वो हुआ, और मुझे मैडम ने मुझे बलून दिया, बहुत खुश है आरू, बलून शो कर रही है। हाँ, और हम उसको लेके अब घर के लिए वापस आ रहे हैं। रास्ते में इसके पापा हमें मिल गए, तो मैंने उनसे बोला मेरी सामने से वीडियो आप शूट कर लीजिएगा ताकि सामने से हम लोग का आते हुए दिखे। मेरी फ़ोन में उनसे बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे सामने से वीडियो शूट कर दिया ताकि हम अब यहाँ पे रुके हुए हैं। हम लोग भगवान का मंदिर पड़ता है यहाँ पर भोलेनाथ का, हम लोग भोलेनाथ में डेली हम लोग दोनों माँ बेटी यहाँ पर खड़े होकर भगवान को पहले प्रणाम करते हैं, फिर आगे घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं घर की तरफ। अब घर की तरफ हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं और बस अब घर पहुँचने वाले हैं। जल्दी जल्दी हम लोग अपने घर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।